जय स्वामीनारायण। नमस्कार, भाई सुहास पटेल, स्टैंडर्ड 8 इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, सब्जेक्ट मैथ्स, चैप्टर नंबर 3, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर्स। ओके, नाउ वी टेकन इंफॉर्मेशन अबाउट दिस। विच टाइप ऑफ द इंफॉर्मेशन वी हियर? फर्स्ट टेकन द इंफॉर्मेशन अबाउट, फर्स्ट, ए कर्व विच कट इट्सेल्फ कॉल ए क्लोज कर्व, यानी खुद को ही खुद का कट करता है वो। जैसे यहाँ हमने ड्रॉ किया है, ये लाइन खुद ही है, खुद को ही खुद कट करता है, बराबर, और सिंपल भी है। इसको सिंपल कर्व भी बोलेंगे, कर्व यानी जॉइंटिंग ईच अदर द लाइनिंग या कर्व, इस तरीके से भी हो सकता है, बराबर, ये भी कर्व ही है, जॉइंट ईच अदर, बराबर। बट ये क्या है, क्लोज कर्व, यानी ये सब क्लोज है, कहीं से ओपन है नहीं, ये सब क्लोज कर्व है। ये भी क्या है, सब क्लोज कर्व है। ओके, नाउ सेकंड डेफिनेशन वी स्टार्ट। सेकंड डेफिनेशन हियर, ए सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली 9 सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगन। यानी ये सिंपल क्लोज कर्व किससे बनी होनी चाहिए, 9 सेगमेंट से। देखो ये सब लाइन सेगमेंट है, देखो ए बी बी सी सी डी, नेम भी दे सकते हैं, ए बी सी डी, तो एक लाइन सेगमेंट, दूसरा, तीसरा, ऐसे 1 2 3 4, 4 लाइन सेगमेंट है, 1 2 3 4 5, 5 लाइन सेगमेंट है, यहाँ 6 लाइन सेगमेंट है। तो ये सबको क्या बोलेंगे, पॉलीगन। इसका मतलब ये सिंपल क्लोज कर्व होना चाहिए और उसकी लाइन किससे बनी हुई चाहिए, लाइन सेगमेंट से, इसको बोलेंगे सिंपल क्लोज कर्व, बराबर, और क्लोज होगा तो उसको बोलेंगे पॉलीगन्स। नाउ पॉलीगन्स हैज ए 4 टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स, 4 टाइप्स। फर्स्ट, कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन मींस ए एंगल ऑफ पॉलीगन लेस देन 180, यानी कि एंगल जो होता है वो 180 से कम होना चाहिए, यानी ये 1 2 3 4 सारे देखो 180 से कम है, तो इसको क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉनकेव पॉलीगन, कॉनकेव सेकंड, कॉनकेव पॉलीगन ग्रेटर देन 180, यानी कि जो पॉलीगन बना है उसमें से एक एंगल 180 से ज़्यादा होना चाहिए। ओके, तो आप देख सकते हो ये पूरा एंगल, बराबर, तो ये क्या होगा, कॉनकेव पॉलीगन ज़्यादा होना चाहिए। फिर रेगुलर पॉलीगन्स, इट मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल, ये पॉलीगन की सभी साइड इक्वल होती है, तो इसको बोलेंगे रेगुलर पॉलीगन। थर्ड वन, नाउ फोर्थ, इरेगुलर पॉलीगन, अनइक्वल साइड्स, यानी इसके अंदर की साइड सेम होती नहीं है पॉलीगन की, उसको बोलेंगे अनइक्वल साइड्स, तो ये साइड सब सेम है नहीं, इसको क्या बोलेंगे, इरेगुलर पॉलीगन्स। ओके, नाउ फर्स्ट सो द पॉलीगन्स 4 टाइप्स, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, रेगुलर, इरेगुलर। नो व्हाई आई नो दैट मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी प्लस मेजर एंगल डी इज इक्वल टू 360, इट मींस ये पॉलीगन के 4 एंगल है, तो 4 एंगल के एडिशन कितना होगा, 360 होगा। ओके, नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 3.1, स्टार्ट। एक्सरसाइज 3.1, क्वेश्चन फर्स्ट, उसका फर्स्ट। ओके, इसमें बताया है, गिव हियर सम फिगर, सम फिगर दी, 8 फिगर दिए, उसके अंदर लिखा है कि क्लासीफाई ईच ऑफ द ऑन द बेसिक ऑफ फॉलोइंग, इसको क्लासीफाई करना है, किसमें किसमें, सिंपल कर्व में, सिंपल क्लोज कर्व में, पॉलीगन में, कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉनकेव पॉलीगन, इसमें आपको करना है, बराबर। तो देख देते हैं कि ये सब है कि नहीं, चेक कर लेते हैं पहले। ओके, okay.
टाइप्स हैं। अब देखते हैं फर्स्ट फिगर, फर्स्ट फिगर कैसी है। फर्स्ट वो हियर ये है बराबर, जो इसमें क्या है ये किसमें आएगा बराबर, वो चेक कर लेते हैं। पहले इसमें लिखा है सिंपल कर्व आएगा फर्स्ट, तो सिंपल कर्व क्या है, कर्व होना चाहिए और कर्व तो है ही, तो यस सिंपल कर्व। सेकंड पूछा है, सेकंड क्या पूछा है, ये सिंपल क्लोज कर्व है, देख लेते हैं। तो सभी साइड से क्लोज है, कहीं ओपन है नहीं, ओके तो इसको सिंपल क्लोज कर्व, ओके ये सिंपल क्लोज कर्व है, ये हमने देखा था बराबर, सिंपल क्लोज कर्व सभी साइड से जॉइंट होना चाहिए और लाइन सेगमेंट होना चाहिए बराबर, ओनली लाइन सेगमेंट, तो देखो लाइन सेगमेंट है ही सब जगह, ओके। थर्ड पूछा है इसमें कि पॉलीगन है, तो ये पॉलीगन है कि नहीं वो चेक करना है। चलो ये थर्ड पॉलीगन, तो पॉलीगन की पहले डेफिनेशन देखते हैं, पॉलीगन क्या और लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट है ही तो पॉलीगन भी है, लिख लेते हैं पॉलीगन ओके। आगे पूछा है उसने कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन है तो पहले आप देखते हैं कि इसका कॉन्वेक्स पॉलीगन का क्या होना चाहिए, तो 180 से कम होना चाहिए, ये कम है नहीं बराबर, इसलिए कॉन्वेक्स पॉलीगन नहीं आएगा, एक एंगल 180 से कम होना चाहिए, सभी एंगल 180 से कम नहीं है बराबर। अब फोर्थ देखते हैं कॉनकेव पॉलीगन, कॉनकेव है कि नहीं वो चेक करते हैं, तो ये जो एंगल बनेगा ये पूरा बराबर, ये 180 से ज़्यादा आ जाएगा, तो ये कॉनकेव है। ओके ऐसे होता है, ये फर्स्ट फिगर का हुआ और बस ये छः पूछे, छः के छः अपने को चेक करना फिगर। दूसरी फिगर देखते हैं, फर्स्ट हो गया, चलो सेकंड, सेकंड फिगर में क्या है, पहले फिगर ड्रॉ करते हैं, चलो फिगर कैसी है चेक कर देते हैं। हाँ इसने बताया है ऐसा बताया है, सेकंड फिगर ऐसा है बराबर, इसके अंदर चेक करना है कि फर्स्ट क्या पूछा है, सिंपल कर्व है, चलो चेक करते हैं, तो ये सिंपल कर्व है, कर्व होना चाहिए है। सेकंड पूछा है सिंपल कर्व हो गया, थर्ड सेकंड वो सिंपल क्लोज कर्व, सब क्लोज है सब जगह से, क्लोज है ही ओके। थर्ड उसने पूछा है पॉलीगन्स है, तो देखो पॉलीगन का मतलब होता है लाइन सेगमेंट होना चाहिए, तो सब में लाइन सेगमेंट है ही तो पॉलीगन भी है। अब फोर्थ उसने क्या पूछा है वो चेक करते हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगन है फोर्थ, कॉन्वेक्स है ना, कॉन्वेक्स पॉलीगन की डेफिनेशन हम देख लेते हैं, कॉन्वेक्स लेस देन 180 बराबर, तो ये सारे ये 180 से कम है कि नहीं है चेक कर लेते हैं। तो ये देखते हैं ये एंगल, एंगल 1 2 3 4 हाँ ये सारे 180 से कम है सबके सब एंगल, तो ये क्या हो गया कॉन्वेक्स पॉलीगन भी हो गया ओके। अब देखते हैं लास्ट पूछा है कॉनकेव पॉलीगन है, कॉनकेव पॉलीगन नहीं है, क्यों, कि सारे एंगल 180 से कम है और इसमें क्या होना चाहिए, एक एंगल 180 से ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए ये इतना आएगा, 6 में से 4 कंडीशन इसके लिए राइट है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 इसके अंदर का वो चेक कर लेते हैं, थर्ड नंबर की फिगर, थर्ड में फिगर क्या है देखते हैं, ऐसी फिगर दी है ऐसा है ना, ऐसा दिया है, अब उसके बारे में अपना क्लासिफाई करना है। चलो पहले क्या है सिंपल कर्व, देखो सिंपल कर्व में क्या होना चाहिए कि ये एक दो दो लाइन है बराबर, एक ही लाइन होनी चाहिए और
और सिंपल होनी चाहिए। पर इसमें दो लाइन है, इसे सिंपल करवाएगा नहीं। चलो इसके लिए कट। दूसरा क्या पूछा है उसने, हाँ बराबर, दूसरा ऐसे पूछा है कि सिंपल क्लोज कर्व है। देखो उसने ऐसा पूछा है, तो क्लोज तो है पर दो दो है, इसलिए ये भी आएगा नहीं। यानी एक भी कंडीशन इसके लिए राइट नहीं है, बराबर। ये एक भी कंडीशन यानी सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज कर्व, पॉलीगन, कॉन्वेक्स, एक भी कंडीशन, नो कंडीशन अप्लाई। ओके, इसमें ऐसा आएगा। क्यों? इसके अंदर सिंपल कर्व नहीं है, सिंपल कर्व नहीं है, पर ये भी कंडीशन नहीं आएगी, ये भी नहीं आएगी, पॉलीगन भी नहीं आएगा, कॉन्वेक्स भी नहीं आएगा, कॉनकेव भी नहीं आएगा, क्योंकि दो दो कर्व दिए हैं, इसलिए ये होता नहीं है, इसलिए इसमें कुछ नहीं आएगा, नो, बराबर, इसने नो लिख देने का है। चलो फिगर नंबर 4 देखते हैं। चलो 4 नंबर की फिगर क्या है चेक करते हैं पहले। चलो 4 नंबर की फिगर, ओके, ऐसा बनाया है। स्टार ऐसा बना के दिया है, बराबर। अब उसने पूछा है, ओके, ये 4 नंबर की फिगर है, तो पहले पूछा है सिंपल कर्व है, तो ये सिंपल कर्व नहीं है, ये कंडीशन नहीं आएगी। क्यों? इंटरसेक्शन करता है, इसलिए नहीं आएगा। फिर दूसरा पूछा है उसने, सिंपल क्लोज कर्व है, तो क्लोज तो है पर बहुत सारे इंटरसेक्ट होते हैं, ये भी कंडीशन नहीं आएगी। थर्ड वन में उसने पूछा है पॉलीगन है, तो पॉलीगन के अंदर अपने देखता है पॉलीगन की डेफिनेशन क्या है, ऑल लाइन सेगमेंट होना चाहिए, तो देखो इसमें लाइन सेगमेंट है ही, बराबर, सारी लाइन, तो ये पॉलीगन आएगा, बिकॉज यू आर गिवन सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ द लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए, तो लाइन सेगमेंट बना हुआ है, इसलिए राइट है। फोर्थ वन है कॉन्वेक्स पॉलीगन है, कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होना चाहिए कि लेस देन 180 से कम होना चाहिए, पर ये जो हम आउटसाइड देखेंगे ये फिर ये, तो 180 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए कॉन्वेक्स पॉलीगन भी नहीं है। और लास्ट क्या पूछा है, कॉनकेव पॉलीगन है लास्ट, बराबर। उसकी कॉनकेव पॉलीगन क्या है, ग्रेटर देन 180, तो अपने ये देखते हैं एंगल जो बनता है यहाँ से लेके यहाँ 180 से ज़्यादा है, तो इसमें आएगा कॉनकेव पॉलीगन, ये है। यानी दो कंडीशन इसके राइट है, 1, 2, ओके। इसके लिए आपको अंडरस्टैंडिंग ये फिगर्स एंड डेफिनेशन, तो आपको तुरंत मालूम पड़ जाएगा। चलो अब देखते हैं 5th नंबर की फिगर, 5th नंबर की फिगर क्या है चेक करते हैं। चलो 5th में देखते हैं इसमें क्या दिया है। ऐसा दिया है, ऐसा बनाया है, यहाँ से क्लोज है, ओके, ये दिया हुआ है। उसमें सारी कंडीशन देखनी है, पहली कंडीशन देखेंगे क्या दिया है, पहले कंडीशन कि क्लोज सिंपल कर्व है। चलो सिंपल कर्व के अंदर देखते हैं अपने डेफिनेशन, हाँ एक कर्व तो है ही, बराबर, सिंपल कर्व, ये राइट है। दूसरी कंडीशन सिंपल क्लोज कर्व है, तो ये क्लोज सभी साइड से क्लोज है, कहीं से ओपन नहीं है, ये भी राइट है। अब थर्ड कंडीशन में इसमें पूछा है कि पॉलीगन है, बराबर, पॉलीगन, ये थर्ड कंडीशन पूछा है, तो इसमें पॉलीगन की डेफिनेशन क्या है कि सभी लाइन सेगमेंट, या लाइन सेगमेंट एक भी है नहीं, इसलिए पॉलीगन नहीं आएगा, बराबर। और फोर्थ और फिफ्थ में क्या आएगा, कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव है वो देखना है, तो पॉलीगन ही नहीं है तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव कैसे होगा, ये नहीं होगा। यानी दो कंडीशन इसके लिए राइट है, ओके। अब फिगर नंबर 6 देखते हैं।
फिगर नंबर सिक्स कैसी है ड्रॉ कर लेते हैं। पहले ऐसे बताया है, ये ऐसा बताया है, एक क्लोज है। चलो सिक्स नंबर के अंदर देखते हैं। तो पहले सिंपल कर्व है, हाँ कर्व तो सिंपल ही है ना, सब जगह से बैंड है और जॉइंट भी है। फिर सिंपल क्लोज, सभी जगह से क्लोज है, कहीं ओपन है नहीं, तो सिंपल क्लोज कर्व भी है, ये भी राइट है। और अब थर्ड पूछा है उसने पॉलीगन है, और पॉलीगन में क्या होना चाहिए, लाइन सेगमेंट होना चाहिए। तो यहाँ देखो लाइन सेगमेंट दो है, और ये क्या है कर्व है, ये क्या है कर्व, इसलिए ये पॉलीगन आएगा नहीं। पॉलीगन नहीं आएगा तो कॉनकेव नहीं आएगा, कॉनवेक्स भी आएगा नहीं, बराबर। इसके अंदर है फिफ्थ नंबर के अंदर, ये सिक्स हो गया। अब देखते हैं सेवन नंबर, सेवन में क्या है चेक कर लेते हैं पहले फिगर ड्रॉ करके। सेवन नंबर की फिगर ऐसी दी है, चलो चेक करते हैं पहले कैसे ड्रॉ करना है। ऐसे दिया है, पूरा ऐसे है, ऐसा दिया है, ओके। इसमें देखो सेवन में क्या है, पहले कर देते हैं चेक कि फर्स्ट क्या है, सिंपल कर्व है, और सिंपल तो है, तो ये फर्स्ट कंडीशन राइट है इसके लिए। सेकंड सिंपल क्लोज, हाँ क्लोज भी है, कहीं ओपन है नहीं। और थर्ड कंडीशन में पॉलीगन, पॉलीगन तो क्या है लाइन सेगमेंट होना चाहिए, तो ये दो लाइन सेगमेंट है, पर ये लाइन सेगमेंट नहीं है, तो पॉलीगन नहीं है। अब उसके बाद उसने पूछा है अपने को कॉन्वेक्स और कॉनकेव, बराबर दोनों, तो ये पॉलीगन भी होगा तो कॉन्वेक्स भी नहीं होगा, कॉनकेव भी नहीं होगा, फिनिश। यानी ये दो कंडीशन इसके राइट है। अब आगे देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर एट, इसके अंदर की एट नंबर की फिगर ड्रॉ करते हैं, चेक कर लेते हैं क्या है। सारे के सारे कंडीशन अपने को चेक करनी है, फाइव फाइव कंडीशन। चलो इसके अंदर फिगर कैसे दिए हैं, एट नंबर में ऐसा बनाया एक, उसके अंदर है ये दूसरा ऐसा बनाया, बराबर ऐसा दिया है, ओके। तो इसमें चेक कर लेते हैं पहले कि कौन सी इसके अंदर कंडीशन है कि नहीं है, बराबर। तो इसके अंदर हम देखेंगे सारी की सारी कंडीशन। पहले सिंपल कर्व, तो सिंपल कर्व नहीं है, क्यों, देखो एक यहाँ इंटरसेक्ट करता है, दो यहाँ इंटरसेक्ट करता है, इसलिए सिंपल कर्व नहीं है। तो दूसरा है सिंपल क्लोज कर्व है, ये क्लोज है पर ये ओपन है, क्लोज है पर ये ओपन है, इसलिए क्लोज भी नहीं है। फिर पॉलीगन है तो लाइन सेगमेंट देखो, तो लाइन सेगमेंट एक है, ये कर्व है राउंडेड है, तो ये नहीं होगा। अब पॉलीगन नहीं होता है तो कॉन्वेक्स पॉलीगन भी नहीं होगा, कॉनकेव पॉलीगन भी नहीं होगा। इस तरीके से अपने को ये फाइव कंडीशन देखनी है। फाइव कंडीशन में हम देख सकते हैं कि आपको कितना आता है, क्योंकि आपको पहले डेफिनेशन सारी आनी चाहिए, डेफिनेशन आएगी तो आप इजीली चेक कर सकते हो कि ये सिंपल क्लोज कर्व है कि पॉलीगन है, कॉन्वेक्स है, कॉनकेव है। इसलिए आपको क्या याद रखना है एकदम इजी आपको मैं बता देता हूँ, फिर से रिवाइज कर लेता हूँ। रिवाइज कैसे है देखो कि पहले सिंपल कर्व, यानी कोई भी ऐसा कर्व हो तो सिंपल कर्व हो गया। फिर सेकंड क्लोज कर्व, यानी कहीं से ओपन नहीं होना चाहिए क्लोज कर्व। पॉलीगन की डेफिनेशन में देखो सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट होना चाहिए ऐसा, तो ये क्या हो गया पॉलीगन। और पॉलीगन के फोर टाइप्स हैं, फोर टाइप्स, तो फोर टाइप्स कौन से, कॉन्वेक्स पॉलीगन, तो उसका मतलब है 180 से ए पॉलीगन वन एंगल, ऑल एंगल इज लेस देन 180, यानी 180 से कम होना चाहिए, तो कॉन्वेक्स पॉलीगन हो गया। कॉनकेव पॉलीगन की क्या डेफिनेशन है कि एक इन द पॉलीगन वन एंगल भी ग्रेटर देन 180, एक एंगल 180 से ज़्यादा होना चाहिए। और रेगुलर पॉलीगन में क्या है, ऑल द एंगल, हाँ रेगुलर पॉलीगन, ऑल द साइड्स ऑफ पॉलीगन बी सेम, यानी कि ये जो ट्राइंगल बना है तो इसमें सारी साइड सेम है, तो क्या हो गया रेगुलर।
फिर इरेग्युलर पॉलीगन में क्या है कि ए ऑल द साइड्स ऑफ द पॉलीगन आर नॉट इक्वल, सब इक्वल नहीं है। देखो ये जो है इक्वल नहीं है पेंटागोन, तो ये क्या होगा, इरेग्युलर पॉलीगन। इस तरीके से आपको इजीली मालूम पड़ जाएगा कि आपको कैसे ये करना है, पर आपको इसके पहले डेफिनेशन सारी प्रिपेयर करनी पड़ेगी। ओके, नमस्कार, बाय, सुहास पटेल।